असलकम वेलकम टू एस डी एम ई एस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स आई होप यू आर आर गुड टुडे वी विल स्टार्ट विद ई वी एस ऑफ स्टैंडर्ड चैप्टर एट साइंस ऑफ किचन सो लेट स्टार्ट साइंस ऑफ किचन स्टूडेंट्स साइंस ऑफ किचन हम आज इस चैप्टर में साइंस ऑफ किचन का मतलब क्या होता है सब चीज साइंस से रिलेटेड और जो किचन में रहती है सो so, इसमें क्या होगा जो भी हमारे फूड्स होंगे जो हम खाते हैं उससे रिलेटेड है सो रीड वी टेक सीरियल्स पल्सेस फ्रूट मिल्क एंड वेजिटेबल्स एज फूड हम लोग ये सब चीजें क्या करते हैं खाते हैं फ्रूट्स है पल्सेस है वेजिटेबल्स है, है ये सब वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड और हमें एनर्जी किससे मिलती है फूड से मिलती है Different regions have different varieties of food. Food हर region जो रहते हैं अलग अलग regions रहते हैं हमारे country में so हर region की अलग अलग variety है खाने की We prepare food either by boiling, roasting, frying और deep frying। हम खाना किस तरीके से पकाते हैं उबाल के बनाते हैं हम लोग रोस्ट करते हैं सेकते हैं फ्राई करते हैं या उसे डीप फ्राई करते हैं मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म कितनी फूड आइटम्स है जो हम कच्ची खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स है सो so, कुछ फ्रूट्स रहते हैं वो हम कच्चे खा सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स रहते हैं वो भी हम कच्चे खा सकते हैं देर आर वेराइटीज इन आवर फूड हमारे फूड में अलग अलग वेराइटीज़ है गुड एंड न्यूट्रीशियस फूड इज़ नेरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आर बॉडी हमारी बॉडी के ग्रोथ होने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए जिसमें हम लोग को न्यूट्रिशन मिले मतलब जिससे हमें हमारी बॉडी को जो नीड है जैसे हमारे बॉडी को प्रोटीन्स फैट्स जो अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए वो मिलना चाहिए ऐसा हमें खाना खाना है फॉर स्ट्रांग एंड हेल्दी बॉडी इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन अब सिम्पल सी बात है अगर हमें हमारी बॉडी अच्छी रखनी है स्ट्रांग और हेल्दी रखनी है हम सबको सो हमें किचन के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखनी ही है इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेज यूज इन द किचन हमारे किचन में अलग अलग स्पाइसिस यूज होते हैं स्पाइसिस कौन से होते हैं जैसे हल्दी है धनिया है देन चिल्ली पाउडर है ये सब क्या है ये सब स्पाइसेस है सो ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स ये पिक्चर दिख रहा है आपको ये किचन का पिक्चर है यहाँ पे किचन में आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे गैस गैस स्टोव है फिर कुकर है देन यहाँ पे रोलिंग पिन है यूटेंसिल्स है अलग अलग देन यहाँ पे uh, ये देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये सब क्या है स्पाइसेस है अलग अलग स्पाइसेस है ओके okay. सो so, यहाँ पर स्टूडेंट्स वट इज सीन इन द पिक्चर आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है ये पिक्चर किसका है ये पिक्चर किचन का पिक्चर है और हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं यूटेंसिल्स है गैस स्टोव है, है कुकर है देन यहाँ पे स्पाइसिस uh, है देन दूसरे भी यहाँ पे बॉक्सेस uh, रखे हुए हैं ग्लासेस है, glasses है. देन यहाँ पे रोस्ट कर रही है चपाती यहाँ पे ये एक आंटी है ओके देन विथ स्पाइसी आर सीन इन द किचन ये किचन में कौन से स्पाइसीज दिख रहे हैं आपको सी हम जूम करके देखेंगे यहाँ पे आपको सॉल्ट दिख रहा है टर्मरिक है चिल्ली है शुगर है ये सब क्या है स्पाइसेस है वट इज बींग कु इन द प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर में क्या कुकड हो रहा है प्रेशर कुकर में कुछ भी कुकड हो सकता है इसमें हम खिचड़ी कुक कर सकते हैं स्टूडेंट्स देन इसमें दाल कुक कर सकते हैं कुछ भी कुक हो सकता है नाउ रीड गिवन बिलो द डिटेल्स ऑफ द फूड टेकन बाय भवाना एंड दीपा यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं ये मतलब खाना जो खाती है दिन में उसके बारे में लिखा हुआ है जैसे मंडे को क्या खाती है सुबह में शाम में ट्यूसडे को वेनेसडे को इस तरीके से सो so, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे एक टेबल बनाना है और उसमें लिखना है कि आप सुबह में क्या खाते हो शाम में क्या खाते हो वो चीज़ कैसी होती है वो एकदम डीप फ्राई हुई होती है या उबाली हुई बॉयल होती है रोस्ट की हुई होती है वैसा आपको लिखना है टेबल में नाउ रीड देर इज़ अ बॉय यहाँ पे एक लड़का है उसका नाम क्या है महेश है वो रोज़ स्पाइसी फूड खाता है बहुत तेज खाना खाता है फिर आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड उसको क्या होता है इतना तेज खाना खाने के बाद उसको स्टमक में प्रॉब्लम होती है एक दिन महेश स्कूल गया वॉज इन स्कूल स्कूल में था वो सब बच्चे खेल रहे थे हिज स्टमक स्टार्टेड पेनिंग उसके स्टमक में पेन होना स्टार्ट हुआ हिज पेन इंक्रीज ग्रेजुअली और वो पेन ज्यादा बढ़ते गया ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल और उसको क्या हुआ हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सो क्यों स्टूडेंट्स अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना रोज रोज खाएंगे बहुत ज्यादा स्पाइसी सो उस वजह से हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होगा सो ज्यादा स्पाइसी खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है देन देर इज अ गर्ल नेम वर्षा अब यहाँ पे दूसरी लड़की है इसका नाम क्या है वर्षा ये स्टैंडर्ड फिफ्थ में फाइव में पढ़ती है उसको बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है एवरीडे शी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर्स वो कैसा खाना खाती है जो हमें बाहर मिलता है ओके okay, जो कवर्ड नहीं रहता है जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दू वड़ा पाव वड़ा पाव क्या है वो अनकवर्ड फूड है वो बाहर मतलब हमें ऐसे ही कवर्ड नहीं रहता है वो अनकवर्ड रहता है सो so, बाहर का खाना जो हमारे लिए हेल्दी ही नहीं है वो क्या है ये वर्षा रोज खाती है वर्षा डज दिस डेली वो रोज खाती है वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम उसे घर पे खाना नहीं पसंद है एवरीडे वर्षा गोज़ टू तो होटल रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर्स शी ईट्स वॉट एवर शी लाइक्स सो क्या होता है वो रोज क्या है होटल में जाती है रेस्टोरेंट में जाती है बाहर जो वेंडर्स होते हैं जो रस्ते पे ऐसा लग मतलब ऐसे पूरी वो क्या है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है वो जो हेल्दी फूड नहीं है वैसे फूड वो बाहर जाकर खाती है सो वॉट वुड हैव हैप्पेंड टू वर्षा क्या हुआ होगा है उसको वर्षा को वी हैव लर्न डैट वाई दिस हैज हैप्पेंड स्टेल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज हार्मफुल फॉर आर बॉडी स्टेल खाना फ्राइड खाना स्पाइसी फूड खाना ये सब हमारी बॉडी के लिए नुकसान वाला है वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिजीज हमें छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम हो सकती है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर हम रोज तेज खाना खाएँगे बहुत ज़्यादा अगर हम बाहर का रोज खाना खाएँगे हेल्थ इज़ डेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड सो हमारी जो हेल्थ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है हेल्दी फूड से यू ईट वेराइटीज ऑफ़ फूड्स देर आर वेरियस मैथड्स टू प्रिपेयर दिस फूड हम बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटीज खाने में बनाते हैं और हर खाने की वेराइटी के लिए अलग मैथड है सो so, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है आपको आपकी मम्मी से पूछना है और देखना है कि वो खाना कैसे आपके घर में बनाया जाता है सो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट डू लाइक एंड शेयर आ वीडियो सब्सक्राइब आ चैनल एंड नाउ Be connected with us for the second part.